हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक के बेस्ट ब्रांच कौन सा है, पॉलिटेक्निक का टॉप ब्रांच कौन सा है, कौन से ब्रांच से आपको पॉलिटेक्निक करना चाहिए, कौन से ब्रांच ऐसा है जहां पर हम पॉलिटेक्निक करने के लिए जाए तो वहां पर हमें पॉलिटेक्निक का कॉलेज खत्म होते होते कोई अच्छा खासा प्राइवेट जॉब मिल जाए जहां पर हमें अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाए, कौन सा ब्रांच ऐसा है पॉलिटेक्निक में जिसे करने के बाद हमको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और अच्छी खासी सैलरी मिल जाए। क्योंकि स्टूडेंट जब आप क्लास 10th के बाद पॉलिटेक्निक करने के बारे में सोचते हैं और क्लास 12th के बाद पॉलिटेक्निक करने के बारे में सोचते हैं तो आप पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर कर लेते हैं और जब बात आती है काउंसलिंग की तो वहां पर अक्सर आप ये कंफ्यूजन में पड़ जाती हैं कि आखिर मैं कौन से ब्रांच से पॉलिटेक्निक करूँ तो मैं कौन से ब्रांच से करूँ, क्योंकि आपके सामने तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, होटल मैनेजमेंट और बहुत सारे ब्रांच आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप सोचने पड़ जाते हैं कि यार मैं करूं तो आखिर कौन से ब्रांच से पॉलिटेक्निक करूं, और हड़बड़ी में आप बिना सोचे समझे मेरे दोस्त ये ब्रांच दिया है तो आप वो भी ब्रांच लेने के लिए चल जाते हो और लास्ट में जब पॉलिटेक्निक का कॉलेज ख़त्म होता है तब आपको जॉब नहीं मिलती है, तब आप पछतावे में पड़ जाते हो। तो इसी कारण जब आप पॉलिटेक्निक में ब्रांच सेलेक्ट की बात करोगे, ब्रांच सेलेक्शन की बात करोगे तो पूरा वीडियो में पूरा डिटेल से यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद ना आप खुद सोचना कि कौन सा ब्रांच आपको लेना चाहिए और कौन सा ब्रांच आपको नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर मैं ना ऐसे ब्रांच बताऊँगा जहाँ पर आपको प्राइवेट कंपनी के माध्यम से नौकरी कॉलेज के लास्ट ईयर में ना कैंपस सेलेक्शन के थ्रू मिल जाएगा और वहाँ से ना स्टार्टिंग सैलरी 15,000 से 20,000 भी आपको मिल जाएगी। गवर्नमेंट जॉब भी बताऊंगा कि कौन से ब्रांच लेने से आपको गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिल जाएगा और गवर्नमेंट जॉब में कितनी सैलरी होगी। पूरा ब्रीफली ना पूरा डिस्कशन इस वीडियो में ना आज के सेशन में हम करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जो भी क्लास 10th के बाद पॉलिटेक्निक करने के बारे में सोच रहे हैं और ट्रेड को लेकर वो काफ़ी चिंतित हैं और क्लास 12th के बाद पॉलिटेक्निक करने के बारे में सोच रहे हैं और कौन सा ट्रेड ले, कौन सा ब्रांच से पॉलिटेक्निक करे, अगर आप कंफ्यूजन में हो तो पूरा वीडियो आप सभी के लिए है। पूरा वीडियो आप डिटेल से अंत तक पूरा देखिए, उसके बाद आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी ब्रांच बेस्ट लगे, सैलरी के अकॉर्डिंग, इन फ्यूचर जॉब के अकॉर्डिंग जो भी ब्रांच आपको अच्छा लगे उसी ब्रांच में पॉलिटेक्निक करने के बारे में सोचना, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं यार ये आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है तो आप ऐसी नॉर्मली किसी दोस्त को देख के ऐसे सेलेक्ट नहीं करना, आप अपना इंटरेस्ट भी देखना साथ ही साथ जॉब भी देखना, उसके बाद ही आप उस ब्रांच को सेलेक्ट करने के बारे में सोचना, उस ब्रांच से आप पॉलिटेक्निक करने के बारे में सोचना। तो चलिए हम बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक में हमारे पास कौन कौन से अच्छे अच्छे ब्रांचेस होते हैं। तो देखिए, एक तो होता है हमारा सिविल इंजीनियरिंग, एक होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एक होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर आता है हमारे पास कंप्यूटर साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और होता है हमारे पास होटल मैनेजमेंट और यहाँ पर मेटलर्जी भी होता है। मेटलर्जी मेटलर्जी देखिए, और जितने भी ब्रांच देख रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं कि आप जिस भी कॉलेज में पॉलिटेक्निक करने के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे उस कॉलेज में सारे ब्रांच आपको देखने को मिलेंगे। कई कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच नहीं होता है, होटल मैनेजमेंट का ब्रांच नहीं होता है, मेटलर्जी का ब्रांच नहीं होता है। कई कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको सारे ब्रांचेस देखने को मिलते हैं, लेकिन सारे ब्रांचेस वाले कॉलेज की संख्या बहुत कम होती है और कई कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पर इनमें से 2-3 ब्रांच गायब होता है और कई कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पर इनमें से एक आध और नए ब्रांच यहाँ पर ऐड कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी ब्रांचेस देखते हैं ना, यही ब्रांच ना लगभग आपको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है और यही ना मोस्ट ब्रांच है ऐसा आप बोल सकते हैं। तो ना पूरा बारीकी से यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए, पहले ना मैं बात कर लेता हूँ सैलरी के अकॉर्डिंग, ओके, कि कौन से प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब कहाँ पर आपको पॉलिटेक्निक करने के बाद ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो देखिए, सिविल इंजीनियरिंग जो होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये ना टॉप के ब्रांच है, यानी कि ना ये बेस्ट ब्रांच है, मैं ना इसको स्टार मार्क देना चाहूँगा, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग को। यदि आप इन तीनों ब्रांच से ना यदि पॉलिटेक्निक कर लेते हो तो आपको यहाँ पर आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होती हैं। इन तीनों में ना आपको ना गवर्नमेंट जॉब तो मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ आपको जैसे मैकेनिकल में प्राइवेट जॉब भी इजी तरीके से मिल जाता है। ये तीनों ब्रांच से यदि आप पॉलिटेक्निक करने जाओगे, यदि आपका इंटरेस्ट होगा तो ये बहुत बेस्ट है, यहाँ पर जॉब आते ही हैं।
अभी ना पूरे डिटेल्स हम इन सभी के ऊपर बात करेंगे। देखिए सैलरी के अकॉर्डिंग पहले हम बात कर लेती हैं, जैसे कि प्राइवेट जॉब, यदि आपको प्राइवेट जॉब, ठीक है ना, पॉलिटेक्निक हमारा ना 3 ईयर्स का प्रोग्राम होता है, 3 साल का पॉलिटेक्निक का कोर्स होता है हमारे पास। और जब आप कॉलेज के थर्ड ईयर में रहते हो ना, कॉलेज के थर्ड ईयर में, तो वहाँ पर ना प्राइवेट कंपनियाँ आती है। कौन सी कंपनियाँ आएगी? प्राइवेट कंपनी आती है जब आप कॉलेज के थर्ड ईयर में रहते हो तो। और उन प्राइवेट कंपनी के माध्यम से आपका इंटरव्यू लिया जाता है, आपके कुछ एग्ज़ाम लिए जाते हैं, उसके बाद ना आपका सिलेक्शन वहाँ पर कर दिया जाता है। उस सिलेक्शन को बोलते थे कि कैंपस प्लेसमेंट, है ना। जब प्राइवेट कंपनी आती है ना आपके कॉलेज में, आपका इंटरव्यू लेती है, आपका एग्ज़ाम लेती है, तो इस प्रोसीजर को ना कैंपस प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैंपस प्लेसमेंट। और कैंपस प्लेसमेंट जब आपका हो जाता है, यानी कि प्राइवेट कंपनी है जब आपको इंटरव्यू लेके सेलेक्ट कर लेती है और अपने कंपनी में काम करने का आपको ऑफर देती है, काम करने के लिए बुलाती है, तो आपको स्टार्टिंग सैलरी 15,000 से 20,000 वहाँ पर देता है। देखो कोई प्राइवेट कंपनी में जाओ आप पॉलिटेक्निक के थ्रू, एवरेज बता रहा हूँ मैं, औसत 15,000 से 20,000 रुपए तक वहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी दिया जाएगा। अब कई कंपनी ऐसी होती है जहाँ पर स्टार्टिंग 30,000 25,000 भी हो जाती है, लेकिन मोस्टली जितना देखा गया है कि अधिकतर स्टार्टिंग में ना आपको एवरेज 15,000 से 20,000 ही प्राइवेट कंपनी दी पैसा देती है। जब आप पॉलिटेक्निक करोगे ना, तो आपको ना यहाँ पर ना जॉब की दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। यानी कितना भी पैसा का जॉब मिले आपको, शुरुआत से ना यहाँ पर 10,000 12,000 15,000 का आपको जॉब मिल ही जाएगा। बाकी के कंपेरिजन बीए बीकॉम बीएससी जब करोगे ना, इसके कंपेरिजन करोगे ना, तो पॉलिटेक्निक में आपको ना शुरुआत में ही ना पॉलिटेक्निक के बाद या पॉलिटेक्निक लास्ट ईयर में 10,000 से 12,000 का जॉब आपको मिल ही जाएगा। तो पॉलिटेक्निक कंटिन्यू ना जॉब देने वाला ही कोर्स है। जब बीए बीकॉम बीएससी करोगे तो उसको करने के बाद आपको कोई 10-15 हज़ार का जॉब ही नहीं देता, लेकिन जब पॉलिटेक्निक के थ्रू आप कर लेते हो ना, तो 10-12 हज़ार का जॉब आपको मिल ही जाता है। ऐसा है, ठीक है ना, मतलब पॉलिटेक्निक में आपको जॉब मिल ही जाता, बल्कि कम पैसे का हो चाहे ज़्यादा पैसे का हो, ठीक है। अब गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे, तो देखो गवर्नमेंट जॉब आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब में आपको कैंपस प्लेसमेंट होगा, प्राइवेट जॉब में ही कैंपस प्लेसमेंट होता है। प्राइवेट जॉब में पूरी प्राइवेट कंपनी आती है और कॉलेज के जब लास्ट ईयर में रहते हो तब आपको कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू सेलेक्ट करती है और अपनी कंपनी में आपको काम करने का ऑफर देती है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट जॉब को ना आप जॉब में ना आपको पूरा पॉलिटेक्निक ना 3 साल आपको पूरा तरह से कंप्लीट करके पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा अपने हाथ में लेना होता है। यानी कि गवर्नमेंट जॉब में 3 साल तक पूरा पॉलिटेक्निक आपको पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में ना आपको एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा। अगर एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे तो ही यहाँ पर आपको जॉब मिलेगा। अब एग्ज़ाम में क्या क्या होगा? एग्ज़ाम तो SSC भी एग्ज़ाम लेती है, जिसको जूनियर इंजीनियरिंग कहेंगे ना। अगर पॉलिटेक्निक किए रहोगे और SSC एग्ज़ाम ले लेगी, कभी सिविल इंजीनियरिंग का पोस्ट निकाल लेगी SSC, मैकेनिकल का भी निकालती है, इलेक्ट्रिकल का भी SSC निकालती है, कंप्यूटर साइंस का भी SSC के माध्यम से रिक्रूटमेंट होता है, जूनियर इंजीनियरिंग जिसे आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप एग्ज़ाम दिलाओगे SSC का, तब यहाँ पर आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको इतना आसान नहीं है, एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा तभी मिलेगा। रेलवे भी एग्ज़ाम लेती है, रेलवे यानी कि ये भी जूनियर इंजीनियरिंग में आएगा। रेलवे यानी कि NTPCS इसी का पार्ट है, तो NTPCS में आप लोको पायलट बन सकते हैं, यानी कि ट्रेन ड्राइवर बन सकते हैं, आप DRDO में जा सकते हैं। ये जितने भी ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब है, और यहाँ पर यदि आप एग्ज़ाम दिला के सिलेक्शन ले लेते हो तो आपको ना 40,000 से 50,000 स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी, है ना। और इतना आसान नहीं है ना यहाँ पर जाना, इसके लिए आपको एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा, गवर्नमेंट एग्ज़ाम फाइट करना पड़ेगा, तभी जाके ना आपको सैलरी मिलेगा। तो पॉलिटेक्निक करके आप गवर्नमेंट जॉब में इन सभी एग्ज़ाम को क्रैक करके भी जा सकते हो, ठीक है। जैसे कि रेलवे में आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आ जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आ जाएगा, NTPC में भी, और DRDO में जानते हो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ज़्यादा खेल होता है DRDO में ना, साइंटिस्ट लेवल, जैसे रॉकेट वॉकेट हो गया, कुछ इंजन विंजन वगैरह का हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हो गया, यहाँ पर उन सब का ना ज़्यादा डिमांड होता है। तो देखिए जो सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो सिविल इंजीनियरिंग तो आप जानते हो कि कोई भी घर का नक्शा सब बनाना होता है, कहीं पे पुल हो गया, डैम हो गया, ये सब का डिज़ाइन बनाना, पुल डैम
कंस्ट्रक्शन, ये सब ना सिविल इंजीनियरिंग मिलती है। तो सिविल इंजीनियर का अधिकतर काम गवर्नमेंट का ही होता है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की भर्ती आती रहती है। SSC भी गवर्नमेंट जॉब का यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग का पोस्ट निकाल देती है। तो सिविल इंजीनियरिंग ना मोस्ट गवर्नमेंट जॉब ही है। तो सिविल इंजीनियरिंग कर लोगे तो मोस्टली ये तो पूरा गवर्नमेंट का ही हिस्सा होता है ना, गवर्नमेंट का ही, क्योंकि कहीं पुल बनाना होगा, ब्रिज बनाना होगा, रोड बनाना होगा, है ना, बड़े बड़े भवन बनाने होंगे, तो ये सिविल इंजीनियरिंग का काम होता है। इसी प्रकार जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, इलेक्ट्रिकल काम जैसे बिजली से रिलेटेड हो गया, कोई खंभे से रिलेटेड हो गया, मतलब कुछ भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी पर किसका अधिकार है, गवर्नमेंट का ही ना। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट जॉब आता है इलेक्ट्रिसिटी में, SSC निकालती है, रेलवे भी निकालती है, NTPC, DRDO में भी इलेक्ट्रिसिटी का पोस्ट यहाँ पर निकलता है, है तो ये सब इनमें ना गवर्नमेंट जॉब आपको मिलते हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका जो स्टेट होता है ना, स्टेट, तो स्टेट लेवल में भी आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वहाँ पर पोस्ट निकाला जाता है, बिजली विभाग में जिसे आप कहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में, जिले वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पोस्ट आपके आती हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग ये टॉप के पोस्ट में मैं रखा हूँ जॉब की दृष्टि से, यानी गवर्नमेंट जॉब में इसमें पोस्ट आते ही हैं, ठीक है ना। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जानते हो आप ये जो हो जाता है पूरा इंजन विंजन से रिलेटेड, जैसे टेस्ला हो गया, टाटा हो गया, तो ये मैकेनिकल इंजीनियर में ना गवर्नमेंट जॉब तो कम लेकिन प्राइवेट जॉब के कहीं ना कहीं इसका हिस्सा है, क्योंकि इंजन विंजन बनाने वाली जो कंपनी है, टाटा हो गया, ये सब कहाँ है, ये सब तो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, तो किसके अंतर्गत आएगा हमारे पास, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जब आप करोगे तो यहाँ पर आपको प्राइवेट जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी मिलती है। ऐसा नहीं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लोगे आपको अच्छी खासी सैलरी नहीं मिलेगी, यदि टॉप कंपनी में जाओगे आप तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी SSC जो होती है, रेलवे जो होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पोस्ट ये भी जारी करता है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग अधिकतर प्राइवेट जॉब मिलता है, और यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के भी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए जो सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसलिए मैं इसको ना टॉप या फिर बेस्ट कोर्सेज यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब से भी। और ये ना कैसे कोर्स हैं जो ना डिमांड हमेशा से है, ऐसा नहीं कि पहले डिमांड नहीं था, पहले भी इनका डिमांड था, जब लॉकडाउन हुआ कोरोना काल फिर भी इलेक्ट्रिकल का डिमांड था, है ना, सिविल वालों का डिमांड था, चलता था, जो भी काम है भर बनाते थे अपने अपने घर ठेकेदार लोग, तो ये टॉप डिमांडेबल कोर्स है। जैसे कभी भी जैसे SSC कभी भर्ती निकाल दी 1000 पोस्ट, तो यहाँ पर सिविल के आगे आपके 600 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के आगे आपके 300 पोस्ट, और मैकेनिकल के मान लेते हैं आगे आपके 100 पोस्ट। तो ऐसी ना पोस्ट डिवाइड रहता है, SSC आ गया तो 1000 में से आपके 600 सिविल के हो जाएंगे, 300 आपके इलेक्ट्रिकल के और 100 मैकेनिकल के। तो आप खुद देख रहे हैं 1000 में भी कहाँ पर ज़्यादा पोस्ट है, सिविल में और आपकी इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल ना पूरा लगभग प्राइवेट का ही हिस्सा हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब मैकेनिकल में नहीं मिलेगा, आता है लेकिन कम देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो प्राइवेट का हिस्सा हो जाता है कहीं ना कहीं वो इंजन विंजन से रिलेटेड, ठीक है ना। ठीक है, ये सब तो पूरा बात हो गई। तो यहाँ पर सैलरी गवर्नमेंट जॉब की 40,000 होगी, धीरे धीरे यहाँ पर सैलरी आपकी इंक्रीज होती जाएगी। अब आते हैं कंप्यूटर साइंस में। अब आप जानते हैं कि अभी तो जब से कोरोना का सिचुएशन था, लॉकडाउन का, तब से सब चीज़ लगभग ऑनलाइन हो गई है, पढ़ाई पूरा एजुकेशन सिस्टम भी लगभग ऑनलाइन में तब्दील हो गया, पूरा डिजिटलीकरण हो गया है, पूरा सिस्टम का, पूरे मार्केट का पूरा डिजिटलीकरण हो गया है। तो कंप्यूटर साइंस की डिमांड तो है ही, लेकिन कंप्यूटर साइंस का डिमांड है लेकिन यहाँ पर आपको जॉब गवर्नमेंट नहीं, यहाँ पर अधिकतर जॉब आपको ना प्राइवेट देखने को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को ना सॉफ्टवेयर बनाती है, अगर गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर खरीदती भी है तो प्राइवेट कंपनियों से तो सॉफ्टवेयर खरीदती है। तो कंप्यूटर साइंस यदि आप करने जाओगे ना तो डायरेक्ट पॉलिटेक्निक में आप कंप्यूटर साइंस मत कीजिए। देखिए कंप्यूटर साइंस जब आप करोगे तो इसके लिए ना आप ना प्रॉपर BTech कीजिए। क्या कीजिए? BTech। हाँ, पॉलिटेक्निक में कंप्यूटर साइंस कर रहे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, पॉलिटेक्निक में कंप्यूटर साइंस कर लीजिए, लेकिन इसके साथ ना BTech का कोर्स कीजिए। BTech तो वैसे 4 साल का कोर्स होता है, लेकिन जब आप पॉलिटेक्निक के बाद BTech करने जाओगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको 3 साल देने पड़ेंगे BTech कोर्स कंप्लीट करने में। यदि आप कंप्यूटर साइंस या पॉलिटेक्निक करने के बाद BTech कर लेते हो तो यहाँ पर आपको ना ढेर सारे जॉब के ऑफर मिलेंगे, क्योंकि आजकल पूरा मार्केट कंप्यूटर साइंस का है। आप जानते हो ChatGPT भी आ गया, कहाँ से है सब, पूरा कंप्यूटर साइंस की ही तो देन है। ChatGPT हो गया,
3D एनिमेशन हो गया, एडिटिंग हो गया, सॉफ्टवेयर बनाना, ऐप बनाना, ये सब किस में है? ये सब हमारे कंप्यूटर साइंस में ही तो है। तो कंप्यूटर साइंस में ऐसा नहीं कि कंप्यूटर साइंस सीख गया तो आपको जॉब नहीं मिले भाई। कंप्यूटर साइंस सीख गया तो जॉब तो आपको मिलेगा, लेकिन ध्यान रखो भाई, आपको ना उसमें स्किल सीखना पड़ेगा। यदि आप कंप्यूटर साइंस लेके कोडिंग सीख रहे हो तो कोडिंग सीखने के बाद आपको ये जानना पड़ेगा कि कैसे मैं ऐप बनाऊं, कैसे ऐप को मैं डेवलप करूं, कैसे मैं अच्छा खासा वेबसाइट बनाऊं, ऑनलाइन वहां पे अर्निंग करूं। वीडियो एडिटिंग कर सकते हो कंप्यूटर साइंस के अंदर, आप वेबसाइट बना सकते हो, आप कुछ एनिमेशन वीडियो बना सकते हो। जैसे यूट्यूब में देखते होंगे प्रोफेसर हाउ, 3D एनिमेशन वीडियो बनाता है प्रोफेसर ऑफ हाउ, तो वहां पर देखना मिलियंस उसके व्यूज आते हैं। तो कहाँ है वो? कंप्यूटर साइंस है। तो कंप्यूटर साइंस को ना आप खाली डिग्री लेके लेने की ना उद्देश्य से मत कीजिए। कंप्यूटर साइंस आप करोगे ना दोस्तों, तो आप ना इसको प्रॉपर सीखने के उद्देश्य से करिए, क्योंकि यदि आप सीख जाओगे तो ऑनलाइन में ना इतना डिमांड है ना कि आप कभी भी ना भूखे नहीं मरोगे। तो इसमें प्राइवेट जॉब तो मत सोचो, लेकिन इसमें गवर्नमेंट जॉब तो मत सोचो कंप्यूटर साइंस में, लेकिन यदि आप इसका स्किल सीख लोगे तो प्राइवेट जॉब आपको खुद घर बैठे आप इनकम जनरेट कर सकते हो। मोबाइल है, कंप्यूटर है, ऑनलाइन बहुत सारे काम आप कर सकते हो कंप्यूटर साइंस के थ्रू। अब केमिकल इंजीनियरिंग भी एक तरह का हमारे प्राइवेट जॉब है, तो केमिकल इंजीनियरिंग भी बहुत बेस्ट होता है, ठीक है, लेकिन ये प्राइवेट के अंदर आ जाएंगे। तो पॉलिटेक्निक थ्रू केमिकल इंजीनियरिंग करने का सलाह तो मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है ना। अगर करना भी है केमिकल के फील्ड में तो आप कुछ बड़ा कोर्स कीजिए, इंजीनियरिंग वगैरह में आप कीजिए, केमिकल इंजीनियरिंग कीजिए, बीटेक के थ्रू कीजिए, तब ये होगा। पॉलिटेक्निक थ्रू आप कंप्यूटर साइंस केमिकल इंजीनियरिंग करोगे ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर आपको ना प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली 10-15 हज़ार की दृष्टि से देखोगे तो यहाँ पर आप जा सकते हो प्राइवेट जॉब में। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे हमारे पास? इन सब में ना आपको प्राइवेट जॉब ज़्यादा देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब तो इसमें कम ना के बराबर ही है। इसी पर आपका मेटलर्जी आ गया। अब मेटलर्जी तो आप जानते हो, मेटलर्जी का पोस्ट बहुत कम आता है, पहले बता रहा हूँ, गवर्नमेंट में ना मेटलर्जी का पोस्ट बहुत आता है। तो आप मेटलर्जी जब सेलेक्ट करोगी तो सोच समझ के करना। लेकिन हाँ, इतना बोलूँगा, यदि आप मेटलर्जी ब्रांच ले लेते हो ना छत्तीसगढ़ में, यदि आप मेटलर्जी ब्रांच लेंगे छत्तीसगढ़ पॉलिटेक्निक के एग्जाम क्रैक करने के बाद आप यदि मेटलर्जी ब्रांच लेते हो, तो यहाँ पर मैं ना 100% आपको गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ पर ना भाई आपकी प्राइवेट जॉब लग ही जाता है, समझ कर। मेटलर्जी ब्रांच लेने से आपके प्राइवेट कंपनी आपको ऑफर देगी ही देगी, इतना मान के चलिए। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के बारे में मत सोचिए, गवर्नमेंट जॉब कब आएगा ना कब, मेटलर्जी ब्रांच वालों को आप सब समझते हैं, ठीक है ना। ऐसी BSP यहाँ पर कम जॉब निकालती इसका, तो मेटलर्जी ब्रांच लेना सही है। लेकिन आप मेटलर्जी ब्रांच लोगे सोच समझ के लेना कि यहाँ पर यदि कॉलेज के लास्ट ईयर में कैंपस सिलेक्शन आपका नहीं होगा तो मेटलर्जी करने का आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। फिर आप सोचते रहना कि मैं कहाँ पे जाऊँ, फिर आप कोई प्लांट व्लांट वगैरह में जाओगे खाली 8-10 हज़ार के लिए, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो प्राइवेट जॉब इसमें मिलता है, ये बता रहा हूँ मेटलर्जी में, वो भी कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो कोई जवाबदारी नहीं है, ओके। तो छत्तीसगढ़ के अंदर मेटलर्जी करोगे तो कैंपस सिलेक्शन ना 60-70% हर साल होता ही है, ठीक ना। 100 बच्चे अगर मेटलर्जी ब्रांच ले रहे हैं ना सर गवर्नमेंट में छत्तीसगढ़ में, तो 100 में से कम से कम 90 लोग का ना मेटलर्जी ब्रांच में कैंपस सिलेक्शन हो जाता है, प्राइवेट कंपनी में उसका जॉब मिल ही जाता है। तो ये तो हो गया ओवरऑल बात। अब ना जॉब के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब और आपके प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है ना। देखिए प्राइवेट और गवर्नमेंट, जब आप पॉलिटेक्निक के थ्रू कोई प्राइवेट कंपनी में जाते हो जॉब करने के लिए कैंपस सिलेक्शन के थ्रू, तो आपको वहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी 15-20 हज़ार रुपये तक देगा। और यदि आप इन सारे एग्जाम को करेक्ट करके किसी एक भी पोस्ट में सेलेक्ट हो जाते हो तो वहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब में स्टार्टिंग सैलरी 30-35 हज़ार रुपये तक मिलेगा। यहाँ के का मतलब ना हज़ार है, ओके। जब आपको 5 साल हो जाए काम करते करते कंपनी में, तो प्राइवेट कंपनी में यदि आप 5 साल तक काम कर लिए, जो कि ना बहुत कम ही ऐसे होते हैं, है ना, 100 में सिर्फ कुछ ही परसेंट ऐसे होते हैं जो पॉलिटेक्निक थ्रू प्राइवेट काम 5 साल तक करते हैं। नहीं तो पॉलिटेक्निक में ना कोई ना प्राइवेट काम करने के लिए जाता है ना पॉलिटेक्निक में कैंपस सिलेक्शन के, कोई 2-3 साल में भाग के आ जाता है। और जो 5-6 साल तक टिक जाता है, मतलब समझो उसका चांदी ही चांदी है, सोना ही सोना है, क्योंकि जैसे ही 5 साल तक वो
प्राइवेट कंपनी में काम करता है तो पूरे कंपनी के ना ढांचा को, पूरे स्ट्रक्चर को समझ जाता है कि कंपनी को मुझे कैसे प्रॉफिट कराना है, कंपनी को मुझे कैसे बिल्डअप करके आगे ले जाना है। कि प्राइवेट कंपनी में होती क्या है यार, प्राइवेट कंपनी में जब जाओगे तो वहाँ पर आप एम्प्लॉय के थ्रू शुरू में काम करोगे और आपका मेन काम हो क्या होता है कि कंपनी के ढांचा को, स्ट्रक्चर को समझना। तो शुरुआत में आपको ना स्ट्रक्चर को समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। जैसे आप टाइम टू टाइम स्पेंड करोगे ना उस कंपनी में, 4 साल 5 साल 6 साल, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आप पूरा कंपनी का स्ट्रक्चर समझ जाओगे। और उसके बाद आप पूरी मेहनत के साथ ये सोचोगे कैसे मैं कंपनी को ना टॉप पर ले जाऊं, कैसे कंपनी को ना प्रॉफिट दिलाऊं। जब ऐसा आप आइडिया से सोचने लग जाओगे ना तो ऑटोमेटिक आपका प्रमोशन हो जाता है। और जब आपका प्रमोशन हो जाएगा ना तो 5 से 6 साल के बाद यहाँ पर जो सैलरी आपको 70 से 80 हज़ार रुपये तक मिलेगा। सोच सकते हैं 70 से 80 हज़ार, लेकिन 5 से 6 साल तक टिकना आम बात नहीं है। और आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा ना कैसे कंपनी को मैं प्रॉफिट जनरेट कराऊं, है ना। आपको मतलब यहाँ पर ना पूरी ना शुरुआत से ना आपको ना मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद पैसा आपको हाथ में रुकने वाला बिल्कुल नहीं है, पैसा आपको मिलते ही रहेगा प्राइवेट में। लेकिन 5 साल बाद अगर गवर्नमेंट जॉब में देखिए तो 5 साल बाद कितना आपको 35 हज़ार ज़्यादा 55-60 हज़ार रुपये होगा। कितना होगा? 55 से 60 हज़ार रुपये। और जब आप 10 साल बाद देखोगे आफ्टर 10 ईयर प्राइवेट में, तो आफ्टर 10 ईयर जब प्राइवेट कंपनी में स्पेंड करोगे तो वहां पर ना 1 लाख प्लस, 1 लाख से भी ज्यादा आपको यहां पर 1 मंथ का सैलरी मिलेगा। और 10 साल बाद आप गवर्नमेंट जॉब में देखोगे तो आपका सैलरी कितना रहेगा? 60 से ज्यादा 65 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इससे ज्यादा गवर्नमेंट बढ़ने वाला है क्या? नहीं। गवर्नमेंट में जब बूढ़े हो जाओगे तब जाके 80 हज़ार होगा, ऐसा है। लेकिन प्राइवेट में अगर आप टिक गए और दिमाग लगाना सीख गए कैसे मैं कंपनी को प्रॉफिट जनरेट कराऊं, ये सीख गए तो 5-10 साल में आप महीने में 1-1.5 लाख यहाँ से अर्न करोगे। और गवर्नमेंट जॉब में तो बुढ़े होते होते आपके 80 मिलेंगे। देखो प्राइवेट कंपनी में ना स्टार्टिंग में सैलरी कम होती है क्योंकि वहाँ पर आप लर्नर होते हो, बिगनर होते हो। शुरू में आपको कुछ नहीं आता, शुरू में आप सीखने को मिलता है वहाँ पर। जैसे जैसे आप बिगनर से एडवांस लेवल में जाते हो तब लाखों में खेलना पड़ता है। और गवर्नमेंट में आप एग्जाम क्रैक करके गए हो इतनी मेहनत के साथ तो शुरुआत में आपको ज़्यादा सैलरी मिलता है एज़ कम्पेयर टू पॉलिटेक्निक स्टार्टिंग में। उसके बाद गवर्नमेंट धीरे धीरे आपकी सैलरी क्या होती है इधर के मुकाबले कम देखने को मिल रही है। बुढ़ापे में 80 हज़ार हो जाएगा, तो क्या मतलब, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो पूरा डेटा जितना मैं यहाँ पर बता दिया था, अब मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ बात आपको शेयर करूँगा। देखिए भाई, अगर आपको जो भी ब्रांच में इंटरेस्ट है, चाहे आप सिविल करना चाहते हो, चाहे इलेक्ट्रिकल, चाहे मैकेनिकल, चाहे कंप्यूटर, चाहे केमिकल, चाहे इलेक्ट्रॉनिक, चाहे होटल मैनेजमेंट, चाहे मेटलर्जी, आप कोई भी ब्रांच में, जिस ब्रांच में हमें सच में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिस ब्रांच में आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं कि इस ब्रांच को मैं लूँगा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और इसमें मेरा फ्यूचर है, तो आप कन्फर्म 100% उस ब्रांच को लीजिए। और यदि आप समझ नहीं पा रहे कौन सा ब्रांच लूँ, कौन सा ब्रांच में आपको इंटरेस्ट है, नॉर्मल ऐसी कोई प्राइवेट जॉब के लिए आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आप देख लीजिए आप कौन सा लेना है। पूरा तो मैं बता ही दिया कि सिविल, इलेक्ट्रिकल ऐसे ब्रांच है जहाँ पर गवर्नमेंट जॉब निकलते ही रहती हैं, और मैकेनिकल में भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं। लेकिन मैकेनिकल क्या हो जाती है, पूरा डीजल वीजल वाला पूरा ये हो जाता, मतलब इंजन विंजन टांटा वांटा वाला, तो पूरा प्राइवेट कंपनी आ जाती है। तो यहाँ पर मैकेनिकल में आपको प्राइवेट जॉब मिलते ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, यहाँ पर कंपनी आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग जब लोगे ना तो पॉलिटेक्निक में कैंपस प्लेसमेंट कंपनियाँ आती है। कंप्यूटर साइंस तो बता ही दिया हूँ, कंप्यूटर साइंस पूरा प्राइवेटीकरण है। अगर सीख गए अच्छे तरीके से तो घर बैठे आप ऑनलाइन पैसे छाप सकते, इतना पैसे छापोगे यहाँ से, और सीख गए तो आप खुद नहीं सोच सकते। केमिकल इंजीनियरिंग तो आप जानते हैं, अगर केमिकल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक करने के लिए जाओगे तो मैं तो रिकमेंड करूँगा केमिकल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक थ्रू मत कीजिए। इसके लिए आप ना बीटेक में केमिकल इंजीनियरिंग कीजिए, बड़ा कोर्स कीजिए, ठीक है। उसके बाद होटल मैनेजमेंट हो गया, होटल मैनेजमेंट भी ट्रेंडिंग कोर्स है, लड़कियों के लिए ना बेस्ट होता है होटल मैनेजमेंट। मतलब ऐसा नहीं कि लड़कियों के लिए, यार बहुत सारे लड़कियाँ लड़के होटल मैनेजमेंट कोर्स में रुचि रखती हैं, बहुत कम लोग को मालूम होता है होटल मैनेजमेंट। लेकिन होटल मैनेजमेंट ना कॉम्पिटिशन बहुत कम है, कोई करता नहीं है होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट क्या होता है, आप मूवी में देखते होंगे ना कैसे एक लड़की होती है एक लड़का होता है, कोई भी अगर गेस्ट आते हैं होटल में रुकने के लिए तो वहाँ पर आप देखना वो लोग रूम में जाते हैं तो वहाँ पर ना तकिया वकिया पूरा बेड वेड पूरा फूल वूल आसपास एकदम अच्छे तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो होटल मैनेजमेंट बेसिकली ना यही सब रूम का पूरा मैनेजमेंट, किधर बिस्तर होना चाहिए, किधर गद्दे होने चाहिए, किधर तकिया होना चाहिए, है ना, कैसे डेकोरेशन होना चाहिए, यही सब होटल में ना मैनेज किया जाता है। कैसे हमारे ऑडियंस से अच्छे से बात किया जाए, अच्छे से बिहेव किया जाए, कैसे उनको होटल में होल्ड करके रोका जाए,
होटल मैनेजमेंट बेसिकली यही सब होता है। होटल मैनेजमेंट कोर्स आप अच्छे से कर लोगे तो बहुत बेस्ट बात है। और मेटलर्जी तो मैं बता ही दिया हूँ, छत्तीसगढ़ का बताया हूँ मेटलर्जी को लेकर, कि छत्तीसगढ़ में यदि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो और मेटलर्जी ब्रांच सेलेक्ट करोगे तो प्राइवेट कंपनी आपको आती ही है। लेकिन याद रखो, जब आप मेटलर्जी करने जाओगे तब आप गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना भाई। अगर प्राइवेट कॉलेज से आप मेटलर्जी कर लिए ना छत्तीसगढ़ के अंदर, तो समझो कि आपका कुछ भी नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ मैं। क्योंकि जो कैंपस प्लेसमेंट होती है वो गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा आती है, और गवर्नमेंट कॉलेज में जो कैंपस प्लेसमेंट आती है ना वो बेस्ट होता है। वहाँ पर आपको शुरुआत में ही 15-20 हज़ार रुपये सैलरी मिलता है, और मेटलर्जी का कैंपस प्लेसमेंट आपको प्राइवेट कॉलेज में देखने को नहीं मिलेगा, छत्तीसगढ़ के अंदर बता रहा हूँ। अब आप पूरे डिसीजन लेके आप सोच लीजिए, कोई भी ब्रांच बुरा नहीं होता भाई, सब ब्रांच अच्छे हैं, कोई ब्रांच घटिया नहीं होता। वो आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत के ऊपर और आपके इंटरेस्ट के ऊपर। आपको जिस भी ब्रांच में ज़्यादा इंटरेस्ट है भाई उसको लीजिए, सभी ब्रांच अपने आप में बेस्ट हैं। अब आप सोच सकते हैं, सारा डिटेल मैं बता दिया हूँ कि बिना मेहनत के तो भाई कुछ भी चीज़ नहीं मिलता। यहाँ पर मेहनत भी करना पड़ता है, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। तो आप अपना लाइफ, अपना फ्यूचर यहाँ पर खुद डिसीजन कीजिए। और कोई भी आपका क्योरी होता है ना, आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई मैं जरूर करूँगा। और खूब मेहनत कीजिए भाई, अच्छे से आप पढ़िए, लगातार कंटिन्यू पढ़िए, पॉजिटिव सोचिए और अच्छे से आप मेहनत करो। एक पोस्ट आप अपने नाम करो और लाइफ में यार खूब तरक्की करो, खूब नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। ओके, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं यार अगली वीडियो में।